नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं क नाम के लोगों के लिए वर्ष 2020 क्या सौगात लेके आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिन भी लोगों का नाम क पर है उनके लिए 2020 है वो थोड़ी मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा। दृष्टिकोण अपना बदलेंगे तो सफलता मिलेगी आपको। दृष्टिकोण आपको पॉजिटिव रखना ज़रूरी होगा। इस वर्ष कुछ खास ग्रहों की दृष्टि आप पर पड़ रही है जो मन में उच्चाटन पैदा करेगी, कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, मन में एक बात में स्थिरता नहीं लाने देगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप संयमित रहें और कुछ ऐसे अपने आप को उपाय करके, चाहे वो मेडिटेशन हो चाहे कुछ और हो, आप अपने आप को संतुलित करने की चेष्टा करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। आध्यात्मिक रुझान बनेगा लेकिन आध्यात्मिक रुझान बढ़ने में भी बाधा उत्पन्न होगी। मन में कुछ ऐसा उच्चाटन होगा कि जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को, वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी बार बार, ध्यान लगाएं और अपने आप को संतुलित करके रखें। पारिवारिक जीवन उथल पुथल भरा रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे लेकिन ऐन मौके पर कोई रोड़ा अटक सकता है। तो इसके लिए उनको चाहिए कि या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, नहीं तो अगर युवती है तो बृहस्पति का उपाय करें और युवक है तो शुक्र का उपाय करें। इसके लिए मेरे वीडियो अवेलेबल हैं, वो आप देखें। जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ अलगाववादी योग बन रहे हैं, तो ऐसे में उनको चाहिए कि जिनका नाम कैपर है वो बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार को नमक ना खाएं तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। मैं तुरंत इंस्टेंट ही आपको उपाय बताती जा रही हूँ। जैसे जैसे प्रॉब्लम बता रही हूँ ऐसे ऐसे मैं आपको उपाय भी बताती जा रही हूँ। जिनका नाम कैपर है रोजगार उनका अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पे उनकी रीति नीति की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। इसके अलावा बॉस भी उनसे खुश रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा, जो लोग उच्च अध्ययन कर रहे हैं, वो भूल कर भी बुज़ुर्गों का अपमान ना करें, किसी सफाईकर्मी का अपमान ना करें, कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ सेवक है उसका अपमान ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो व्यवसाय में भी उन्नति होगी। जो लोग व्यवसाय जगत से जुड़े हुए हैं वो अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को गुरुवार को पीली मिठाई या पीले जो लड्डू आते हैं बेसन के, वो ज़रूर खिलाएं। और इसमें ये भाव ना लाएं कि आप दान कर रहे हैं, ये आप एक खुशी से अपने ऑफिस का जो माहौल है उसको अच्छा करने के लिए खिला रहे हैं और किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये चीज़ें वर्क करेंगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, गुरुवार के दिन आप हल्दी का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। इसके अलावा जो धन की कामना कर रहे थे लोग, तो उनको धन की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होगी, लेकिन मेहनत का दामन आपको नहीं छोड़ना है। और धन प्राप्ति के लिए फ्राइडे के दिन आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति निर्मित होगी। कै नाम वाले जो लोग हैं वो बुधवार के दिन हरा रंग के कपड़े पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा कुल मिला के ये जो वर्ष है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती रहेंगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ। इस ढुलमुल नीति से बचने के लिए जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उनको ज़रूर आप अपनाएं तो वर्ष आपके लिए पूरा अच्छा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे।